यूपी के अलीगढ़ में विक्की चौधरी नाम के एक बीजेपी नेता के बन रहे होटल को सील करने पर कार्रवाई कर की गई, जिसके बाद ये पूरा हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि बगैर नक्शा पास हुए ही निर्माण शुरू कराया गया, जिसकी भनक लगते ही अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिस पर बीजेपी नेता के समर्थक भड़क गए और उन्होंने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान इन लोगों ने वहां पर खूब नारेबाजी भी की। दफ्तर के अंदर हंगामा कर रहे इन लोगों को वहां मौजूद कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। देखते ही देखते दफ्तर के अंदर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। भैया बात कर लेना, सब शांत रहना। बीजेपी नेता के समर्थकों ने बताया कि होटल के नक्शे की फाइल प्राधिकरण में है, लेकिन आरोप है कि अधिकारी फाइल पास नहीं कर रहे। पूरी फाइल तैयार करके जैसे एक कानूनन की जा सकती है वो कराई गई, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पैसे के लालच में उसे अप्रूव नहीं किया। इस आरोप पर वहाँ मौजूद अधिकारी ने मामले को दिखवाने की बात कही, तब जाकर बीजेपी नेता के समर्थक शांत हुए। ये एक पक्ष आया है कि इसको दोबारा दिखवा लिया है, तो मैं अपने स्तर से उसमें दिखाऊंगा। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के दफ्तर में हंगामे की खबर मिलने के बाद वहां पास के थाने पुलिस फोर्स तक बुलानी पड़ी, ताकि माहौल बिगड़ने पर फौरन हालात पर काबू पाया जा सके। सौबात की एक बात यह कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने हाल ही के दिनों में अवैध निर्माण के खिलाफ शहर में कई कार्रवाई की, जिनमें बीजेपी नेता विक्की चौधरी का ये होटल भी शामिल है, जिनका आरोप है कि नक्शे की फाइल जानबूझकर प्राधिकरण के कर्मचारियों ने पास ही नहीं की, जिस पर प्राधिकरण के अधिकारी ने जांच कराने का भरोसा दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ।